हेलो एवरीवन, वी वर स्टडिंग एन सी आर टी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ठीक है दिस इज पार्ट एट ऑफ दिस चैप्टर ठीक है प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट रह गया था वो आगे का अब हम पढ़ेंगे वॉट आर पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स देख रहे थे हम सो दीज आर सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में कंट्रोल करने के लिए डैमेजेस कौन करता है जो इंसेक्ट्स रोडेंट्स वीड्स एंड वेरियस क्रॉप डिजीजेज उनका रिपीटेड अगर हम यूज करते हैं ना पेस्ट के लिए तो वो रेसिस्टेंट हो जाता है वो वाला पेस्ट का ग्रुप जिससे क्या होता है जो पेस्टिसाइड्स हैं वो इनफेक्टिव रह जाते इनफेक्टिव हो जाते हैं पेस्ट जो है वो इनफेक्टिव हो जाते हैं इन पेस्टिसाइड से पहले डीडीटी यूज होता था एज इंसेक्ट रेजिस्टेंट टूवॉर्ड्स डीडीटी बढ़ गया तो अदर ऑर्गेनिक टॉक्सिन जैसे एल्ड्रिन है डील्ड्रिन है वो इंट्रोड्यूस हो गया फॉर द यूज एस पेस्टिसाइड बट डीज वर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड स्लोली ट्रांसफ़र हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स में थ्रू फूड चेन कॉजिंग मेटाबॉलिक एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कर देते हैं वो कॉन्सिक्वेंटली न्यू सीरीज ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बेट्स have been introduced these are biodegradable but are severe nervotoxins and hence more harmful to humans and have caused even death there's the insect. there's the इंसेक्टीसाइड इंडस्ट्री इज़ इंगेज इन डेवलपिंग न्यू इन्सेक्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स दीज द केमिकल्स जो यूज़ होते हैं वीट्स को कंट्रोल करने के लिए पहले इन कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोरेट है सोडियम आर्सनेट है आर्सेनाइट है वो यूज़ होते थे बट आर्सेनाइट आर्सेनिक के जो कम्पाउंड्स हैं ना वो टॉक्सिक हो जाते हैं मैमल्स के लिए आर नो लॉन्गर प्रिफर्ड इंस्टीट ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ट्राइजाइंस है वो आर नाउ कंसिडर्ड एज बेटर हरबी साइड स्पेशली फॉर द कॉर्नफील्ड नेक्स्ट है वॉट डू यू मीन बाई ग्रीन केमिस्ट्री हाउ विज करने के लिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन देखिए सबसे पहले ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है इन ग्रीन बाय ग्रीन केमिस्ट्री वी मीन प्रोड्यूसिंग द केमिकल्स ऑफ अवर डेली यूजिंग सच रिएक्शन एंड केमिकल प्रोसेस इन टू द एटमोसफियर ठीक है जो टेक्निक्स यूज है, यूज ऑफ सनलाइट एंड माइक्रोवेव ऑफ साउंड यूज ऑफ एंजाइम और ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ में ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स एंड लॉन्ड्री लॉन्ड्री नेक्स्ट है ब्लीचिंग ऑफ पेपर ब्लीचिंग ऑफ पेपर इन सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स ठीक है ये मैंने आपको अच्छे से समझा भी रखे है प्रीवियस वीडियो में ठीक है देखिए वॉट वुड हैपन If the greenhouse gases were totally missing in the earth atmosphere, discuss the solar energy radiated back from the Earth's surface is absorbed by the greenhouse gases, that is CO2, CH4, O3, CFCs, and water vapor present near the Earth's surface. Thus, they heat up the atmosphere near the Earth's surface and keep it warm. As a result, they keep the temperature of the Earth constant and help in growth of the plants and existence of life on the Earth. If there were no greenhouse gases, there would have

Decomposes this organic matter in water. During this process, they consume the oxygen dissolved in water. Water has already limited dissolved oxygen 10 ppm, thus, it is further depleted. When the level of dissolved oxygen falls below 6 ppm, the fish cannot survive, hence, they die and float dead on the lake how can domestic waste be used as manure domestic waste comprises of two types of material biodegradable such as leaves rotten food etc and non biodegradable such as plastic glass metal scrap etc the non biodegradable waste is sent to industry for recycling the biodegradable waste should be deposited in the landfills with the passage of time it is converted into manure compost for your agricultural field or garden you have developed a compost producing pit ठीक है डिस्कस द प्रोसेस इन द लाइट ऑफ बैड ऑर्डर फ्लाइज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्टेज फॉर अ गुड प्रोड्यूस The compost producing pit should be set up at a suitable place or in a tin to protect ourselves from bad order and flies. It should be kept covered so that flies cannot make entry into it and bad order is minimized. The recyclable material like plastic, glass, newspaper etc. should be sold to the vendor who further sells it to the dealer. The dealer further supplies it to the industry involved in recycling process. ठीक है अब ये एन सी आर टी एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो चुकी हैं चैप्टर कंप्लीट हो चुका है इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट थैंक यू